वर्ल्ड क्लास मार्बल एंड ग्रेनाइट से हूँ, जो कि अपना अजमेर से 27 किलोमीटर दूर और जयपुर से 110 किलोमीटर दूर है। पूरा राजस्थान के अंदर है ये किशनगढ़, मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। जो भी मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, तो मैं एक इकोनॉमिकल रेंज के अंदर इटालियन लुक का पत्थर आपके सामने लेके आया हूँ, तो मैं आज उसके बारे में आपको डिफाइन करूँगा और उसकी जो साइज़ रहेगी, मतलब उसके ऑलमोस्ट जो साइज़ रहेगी वो 10 फीट बाई 6 फीट की रहेगी। और भी चीज़ अपन जो भी अपन आज डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सा पत्थर अपने लिए घर के लिए सूटेबल है, और इसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है वो 65 to 90 rupees, जो कि अपने इंडिया के 70% जो कस्टमर्स है जिनको मार्बल लगाना है उनका बजट ऑलमोस्ट यही होता है। कुछ एक कस्टमर्स होते हैं जो इटालियन और अदर मटेरियल में जाते हैं, तो आज अपन उसके बारे में ही डिफाइन करना चाहेंगे और ये चीज़ अपनी रहेगी। देखिए सर, एक ये मटेरियल है, ये है बटरफ्लाई पैटर्न। इसका जो वेंस आएगा वो बटरफ्लाई के स्टाइल में आएगा आपका, और इसका जो थिकनेस आएगा 18 mm की थिकनेस में आएगा, और इसका जो साइज़ है वो 10 फिट बाई 5 फिट के करीब इसका साइज़ रहेगा। और नियर अबाउट ये साइड से अगर आप वीडियो दिखाएं तो 3500 फिट के नियर अबाउट ये लॉट रहेगा। और इसका जो थिकनेस अगर मुझे दिखा सकते हैं तो ये 18 mm की थिकनेस में आएगा, तो ये चीज़ अपनी रहेगी। और ये 3500 101% फ्रेश आएगा, और इसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है वो 65 rupees का रेंज का इसका प्राइस रेंज रहेगा, जो कि इसका ये स्टार्टिंग प्राइस है। और इसमें मतलब बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न बन के आएगा। इसका जो बेसिकली नेम है वो मुंगेर डूंगरी के नाम से ये मटेरियल चलता है। ये चीज़ हो गई, इससे ये थोड़ा सा बेटर आएगा। ये 75 rupees की रेंज का मटेरियल है, आप इसको देखिए, इसके अंदर जो डिज़ाइन बन के आएगा वो एरो का निशान बन के आएगा। ये एरो का निशान आप देख पा रहे होंगे कि ये फिगर मिलके इस तरीके से पैटर्न बन के आएगा। ये भी 200% फ्रेश मटेरियल आएगा। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो ऑलमोस्ट 4000 के करीब रहेगी, और इसका थिकनेस भी 18 to 19 mm आएगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लोट में चलते हैं। ये ईगल पैटर्न में आएगा, इसका जो पैटर्न आएगा ना वो ईगल के रूप में आएगा। ये जो विंग्स है इसके, ये ऐसे ब्लिंक करते हुए आपको दिखेंगे, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। ये भी 10 फिट बाई 6 फिट इसका साइज़ है, और नियर अबाउट 5000 square feet का वन ब्लॉक है, और 101% फ्रेश आएगा। इसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है वो 80 rupees का रहेगा। इसमें 65 to 90 rupees की रेंज में मिडिल में ही मटेरियल आएगा, ताकि जिनका बजट लो होता है वो इटालियन लुक का पत्थर लगाना चाहते हैं, तो ये चीज़ सबसे परफेक्ट है। और इसका जो शेडिंग रहेगा वो लाइट वाइट एंड देन ब्राउन कलर का फिगर इसके ऊपर रहेगा, ब्राउन एंड ग्रे। जो डूंगरी आता है वो इसका पैटर्न रहेगा। एक मकराना डूंगरी अभी आता है, मकराना डूंगरी काफ़ी कॉस्टली मटेरियल आता है, उसके अगेंस्ट में ये मटेरियल आता है, ये मुंगेर डूंगरी। और मुंगेर डूंगरी की खास बात यह है कि ये डूंगर हमारे राजस्थानी वर्ड में एक पहाड़ को बोलते हैं, उसी के नाम पर डूंगरी का नाम पड़ा हुआ है। तो ये मुंगेर की खदानों से निकला हुआ ये मटेरियल है, ये भी अपन देख सकते हैं। उसके बाद में अपन एक नया पैटर्न में चलते हैं। ये पैटर्न आएगा, ये गुलाटी पैटर्न में आएगा, और ये भी नियर अबाउट 10 फिट बाई 5 फिट का साइज़ है। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न आएगा, और इसका जो रेंज रहने वाला है वो 70 rupees का रेंज रहेगा। अब मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा ये 80 का क्यों है और ये 70 का क्यों है। अगर आपको कैमरे में नज़र आएगा तो इसमें थोड़ी सी इस लोट की वजह इसमें डार्कनेस रहेगी, थोड़ा सा ये लाइट ज़्यादा रहेगा, ये थोड़ा डार्क रहेगा, इसलिए 10 rupees square feet का फ़र्क रहेगा। जब आप फिज़िकली यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये डिफाइन समझ में आएगा, हो सकता है आपको ये कैमरे में समझ नहीं है। ये चीज़ भी बहुत खूबसूरत आएगी, तो ये अपने घरों के लिए अपन काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। जिसका मकान 5000 से 10000 feet का है तो एक लोट में ही आपका काम हो जाएगा, और पूरा सिमिलर लगेगा, पूरे घर में सिमिलरिटी रहेगी। थिकनेस भी इसका 18 to 19 mm रहेगा, और ये मटेरियल आएगा, आप इसको दिखाएं एक बार प्रॉपर। इसका साइज़ भी 10 फीट ऐसे रहेगा और 5 फीट ऐसे रहेगा, 6 फीट ऐसे रहेगा, सॉरी 10 फीट ऐसे रहेगा आपका और 6 फीट इसका ऐसे रहेगा, 10 फीट ऐसे। इसका जो फिगर बन के आएगा वो ये बर्फी का डिज़ाइन बन गया, दो पीस ऐसे ऐसे बनेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये चीज़ भी अपन देख पाते हैं, इसका जो थिकनेस है वो भी 18 mm की थिकनेस में रहेगा, और साइड से आप दिखाएं एक बार, इसका जो थिकनेस है वो
थिकनेस में है, हो सकता है आपको कैमरे में कम नज़र आए बट जब फिजिकली देखेंगे तो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। ये चीज़ भी बहुत खूबसूरत लगेगी आपके। इसका डिज़ाइन आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, और अगर इस पीस को उठा के उधर की तरफ फ्लोरिंग करेंगे तो इसका डिज़ाइन ये वाला बन जाएगा ऊपर वाला, तो ये चीज़ भी आप लगा सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ी खास बात क्या है इसमें, एक तो जॉइंट कम से कम आएंगे, क्योंकि जितना बड़ा साइज रहता है उसको अपन काट के छोटा कर सकते हैं, पर छोटे लोड को अपन बड़ा नहीं कर सकते। तो इसमें अगर बड़ा साइज है ना, तो ये इतना बड़े साइज में एक का दो कट करके पूरे फ्लोर में लगा दीजिए, 5000 फिट का लॉट है, पूरे घर में जॉइंट कम से कम आएंगे, जितना जॉइंट कम रहेगा उतना उतना खूबसूरत लगेगा। ये चीज़ भी अपन देख सकते हैं, और अगर अपन इसके और वीडियोज़ देखेंगे आगे और फोटोज़ देखेंगे, ये भी इटालियन टच का मटेरियल है, ये भी चीज़ अपन देख सकते हैं। इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा, इसमें पूरा गुलाटी टाइप में आएगा, फायर टाइप में, जैसे ऐसे कोई चीज़ लास्ट हो गई हो ना ज़मीन के अंदर, उस तरीके का ये पैटर्न लगेगा। और इसका भी जो रेंज रहने वाला है वो 80 रुपीज़ का रेंज रहेगा, ये भी 18 mm की थिकनेस में आएगा और 101% फ्रेश मटेरियल। तो ये भी अपने घरों में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये अनदर पैटर्न इसका दिखाएं, ये पैटर्न भी आएगा, ये है डूंगरी टाइप का, इसका नाम इसीलिए डूंगरी पड़ा हुआ है। इसका जो पैटर्न आएगा ना पहाड़ के रूप में, अरावली जो पहाड़ होते हैं ना हमारे ऐसे राजस्थान में, अरावली जो चलता है उस पैटर्न का ये मटेरियल रहेगा, आप इसको देख पा रहे होंगे। ये भी 18 mm की थिकनेस में आएगा, 101% फ्रेश आएगा, एक भी इंच का इसके अंदर ना तो कोई क्रैक आएगा ना ही कोई फिलिंग आएगी। इस मटेरियल को भी अपन फ्लोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसका पैटर्न भी ये बन के आएगा, और इसके पहाड़ नुमा ये डिज़ाइन आएगा। इसमें सारे लोट ये मटेरियल एक ही है, पर इसमें जो डिज़ाइन रहेंगे वो सब डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि सपोज़ करिए एक चीज़ दिखाइए, अगर इस लोट को मैं यहाँ से कट करता हूँ तो ये डिफरेंट पैटर्न दिखेगा, ये वाला डिफरेंट पैटर्न दिखेगा। ये चीज़ अपन जब लगाएंगे तो इस जगह को एक जगह लगा सकते, एक जगह लगा सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न भी हो जाएगा और मटेरियल भी सेम रहेगा। ठीक है, इसका अनदर डिज़ाइन देखें, एक ही चीज़ आएगी, ये क्रॉस फिगर में आएगा, इसका ये डायमंड शेप बनेगा। आपको एक इसके डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी फोटोज़ आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसके अंदर इसको देख सकते हैं। इसकी फ़ोटोज़ में आपको बर्फी का डिज़ाइन बना के फोटोज़ अपलोड कर दूँगी, तो उसमें ना इनके पैटर्न्स भी आप देख सकते हो कि किस तरीके के इनके डिज़ाइंस बने। ये चीज़ बड़ा खूबसूरत आएगा। और दूसरी चीज़, इसकी जो सिमिलरिटी की बात करना चाहेंगे तो आप एक बार इसकी सिमिलरिटी दिखाएं, हर लोड सिमिलर आएगा सर। जैसे ये वेंस हो गई, इसकी जो डिज़ाइन रहेगी ये देखिए सर, ये साइड से जो इसकी वेंस है ना ये पूरी सिमिलर रहेगी, फर्स्ट टू लास्ट सिमिलर रहेगी, ये फर्स्ट टू लास्ट एकदम सेम डिज़ाइन रहेंगे। तो इस लॉट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, बेसिकली ये लॉट है 3000 स्क्वायर फीट का और 18 mm इसकी थिकनेस रहेगी, और फिगर के हिसाब से आप देख ही पा रहे होंगे चार पीस का डिज़ाइन बन जाएगा। एक ये हो गया, एक नया पैटर्न और देखो, एक ये आएगा, ये डूंगरी के अंदर ही है पर अल्बेटा पैटर्न है। इसका जो पैटर्न आएगा ना अल्बेटा, मकराना का एक सेम मटेरियल आता है अल्बेटा करके, जो काफ़ी कॉस्टली आता है 400-500 rupees की रेंज का, ये ओनली 80 rupees की रेंज है, और बहुत ही खूबसूरत मटेरियल ये आएगा। ये लॉट भी बहुत बड़ा खूबसूरत है, मात्र इसका जो रेंज रहेगा वो 80 rupees का रहेगा और 18 mm की थिकनेस में ये मटेरियल आएगा। ये चीज़ भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, 4.5 से 5 हज़ार फीट का ये लॉट है। ठीक है, इसका अनदर पैटर्न अपन देखना चाहेंगे, एक ये आएगा, इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न ही आएगा, बड़ा खूबसूरत ये भी मटेरियल है। मतलब पैटर्न्स आप चॉइस कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे, जैसा आपका पैटर्न चॉइस करेंगे वैसा है। इसका जो प्राइस रेंज है वो 65-90 rupees के बीच में रहेगा। 90 वाला लॉट मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, ये अभी जो मैं रेंज दिखा रहा हूँ 65 से 80 के बीच का दिखा रहा हूँ। ये चीज़ हो गई, क्या है ऊपर का पोर्शन में फिगर आएगा,
देंगे तो ये फिगर बन जाएगा, और अगर फिगर नहीं पसंद तो आप ये डिज़ाइन में लगा सकते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। इसका भी थिकनेस 18 mm का ही रहेगा और 100% फ्रेश। ये मटेरियल माइन से ऑलमोस्ट फ्रेश टाइप का निकलता है और बिग साइज में निकलता है। और दूसरी चीज़, इसकी हार्डनेस जो है वो सबसे टॉप क्वालिटी की इसकी हार्डनेस रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा साइज पत्थर तभी कट पाता है जब उसकी हार्डनेस मजबूत हो, नहीं तो हमको छोटा करके कटिंग करना पड़ेगा। फुल हार्ड रहेगा, लोहे के माफिक हार्ड रहेगा, इसीलिए इसको इतना बड़ा साइज में हम कट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी बिल्कुल डायमंड शेप में आएगा। इसका जो रेंज रहेगा वो 65 rupees का रेंज रहेगा। पैटर्न चॉइस आप अपना अपना कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। इसमें मैंने आज आपको नियर अबाउट 10 to 15 पैटर्न्स आपको दिखाए, इसमें मेरे पास 20 पैटर्न्स और भी हैं, तो जब आप फिजिकल यहाँ आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें देख पाएंगे। और अपन एक 90 rupees की रेंज का एक लॉट और देखना चाहेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक का रहेगा। इसका जो पैटर्न रहेगा वो बड़ा ही खूबसूरत आएगा, इसमें ब्राइटनेस भी और बेटर रहेगी। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं, ये 90 rupees की रेंज का लॉट है, इससे ऊपर कोई मटेरियल नहीं आता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉट है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉट हमारा एक्सपोर्ट में जाता है, तो वो अगर वो भी चाहेंगे तो फिर 100 to 150 के बीच में आएगा। तो ये केवल डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से सबसे टॉप चीज़ों में से एक है, तो ये चीज़ भी देख सकते हैं। अच्छा, ये दो पीस आपको पॉलिश पीस दिखाए जा रहे हैं, ये पूरा लॉट पॉलिश नहीं आता है, केवल सैंपल के तौर पे आपको दिखाया जाता है कि दो पीस आफ्टर फिनिशिंग आफ्टर फ्लोरिंग इस टाइप का आपका पैटर्न बन के आएगा, क्योंकि हम पॉलिश करा के नहीं रख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम पॉलिश करा के रखेंगे कोई भी किनोर वगैरह झड़ जाता है तो वापस आपको पॉलिश करना पड़ेगा। इस वजह से ये केवल 2 pieces है पॉलिश, ये मार्बल कैटेगरी के अंदर है। इसका थिकनेस भी 18 mm आएगा, ये क्वालिटी भी एक्सपोर्ट होती है, तो उसके हिसाब से एक्सपोर्ट में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। जैसे एक्सपोर्ट में 100+ की रेंज भी चलती है और 100 under भी रेंज चलती है। तो मैंने आज जो आपको दिखाया है वो 65 to 90 rupees का ही रेंज दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन वाइट के बारे में बात करेंगे, और एक मेरा ग्रेनाइट का किसी को कस्टमर को चाहिए तो मेरा वर्ल्ड क्लास के अंदर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो आप उसके अंदर से वो ग्रेनाइट के काफ़ी सारे पैटर्न्स और काफ़ी सारी डिज़ाइंस है, टॉप 10 ग्रेनाइट्स में से है, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो मेरे पास इटालियन मार्बल, इंडियन मार्बल में डूंगरी का पत्थर प्लस वाइट का मटेरियल का वीडियो मैं अब अपलोड करूंगा, और उसके बाद में आपका ग्रेनाइट, तो ये सारी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, तो आपको जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ मेरे पास मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपन लेके आएंगे वो इस मटेरियल को अपकमिंग है, इसके अंदर काफ़ी सारे पैटर्न देखेंगे। ये है इंडियन माइकल एंजेलो का जो बजट आता है वो 500 to 1500 आता है, ये इसका इंडियन वर्जन है, और इसका जो प्राइस रेंज रहेगा वो 60 to 100 rupees की रेंज में रहेगा ऑलमोस्ट। तो अपन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आप इसके सारे पैटर्न्स देखेंगे ये अपकमिंग वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये शो करूँगा, इसमें भी 18 mm की थिकनेस में आएगा, फुल ग्लोजी मटेरियल फुल ब्राइटनेस के साथ आएगा, और इसका जो क्रिस्टल आएगा बिल्कुल बारीक आएगा, आप जजमेंट भी नहीं कर सकते कि इटालियन लगा रखे हुए हैं या इंडियन लगा रखे हैं, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ आपको, और अगर मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे और भी मैं आगे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप कहीं से भी हो इंडिया में, तो आप मेरे को बेहिचक आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको 500 लेना है तो आपको वहीं से लेना बेटर है, अगर आप दूर के स्टेशन से बैठे हुए हैं तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भैया ये मटेरियल मैं लेना चाहता हूँ, ये कैसा मटेरियल, तो मैं आपको जेन्युइनली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी उसके बारे में मैं आपको डिफाइन करूँगा। फिर भी आपको किसी भी टाइप से कोई भी प्रॉब्लम है तो बेहिचक मेरे को कॉल करें, पत्थर लेना नहीं लेना वो मेरा मकसद नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाई होना मेरा मेन, मेरे को कॉल करिए। आपको किसी भी रिलेटेड मार्बल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे इटालियन हो चाहे ग्रेनाइट हो चाहे मार्बल हो, तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा, आप एक मिनट में सेटिस्फाई हो जाएंगे, चाहे कहीं से भी आप पत्थर लें। ये चीज़ मेरी रहेगी, मैंने आज आपको ये चीज़ दिखाई है,
तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि आपके मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है।